कल आया एम ग्रूट, फिर आज आया सी हल्क का ट्रेलर एंड अभी 2 या 3 घंटे पहले वकांडा फॉरएवर का टीजर। एंड इस टीजर के शुरुआत में ही ये कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारा चैडविक बोसमैन वाला ब्लैक पैंथर अब नहीं रहा। और मार्वल का यही बात बहुत अच्छा लगता है, एक्टर के रियल लाइफ में जो घटित हो रहा है उसका प्रभाव पिक्चरों में भी डालते हैं। चैडविक बोसमैन का फ्यूनरल टीजर में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वो फ्यूनरल टिचाला के लिए रखा गया था, मतलब हमारे ब्लैक पैंथर के लिए। एंड वेल टीजर में हमें मार्वल का एक्वामैन दिख जाता है जिसका नाम नेमार होगा, और नेमार ही वकांडा फॉरएवर का विलन होने वाला है। इसके अलावा टीजर में हमको आयरन हार्ट का फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है, और टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिक्चर में हमें आयरन हार्ट और सियूरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा टीजर का विजुअल्स बहुत हार्ड है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फेज 4 का लास्ट मूवी होने वाला है, तो ये मूवी का ग्रैंड होना तो कंफर्म होगा। अब देखना यह है कि टिचाला के बाद नेक्स्ट ब्लैक पैंथर कौन होने वाला है। इसका कंफर्मेशन वकांडा फॉरएवर पार्ट 2 शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा।